नहीं, प्रतिभा सिंह जी यहां से कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट हैं, हमारा उनके प्रति भी पूरा सम्मान है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने अब की बार ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को इस चुनाव में उतारा है। एक सिपाही जो देश के लिए मर मिटने की का जुनून रखता, एक सिपाही जिस आदमी ने इस देश की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया, कारगिल युद्ध हुआ तो उस कारगिल युद्ध में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझसे पहले यहां पर कह रहे थे क्योंकि सुरेश कश्यप जी भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सेना में आप एयरफोर्स में थे, लेकिन कुछ बातें हमको अच्छी नहीं लगी, वो बात मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सेना के जवानों का राजनीति में क्या काम है, और मैं समझता हूं कि आज तक आज 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 की जो हमारी राजनीति का परिदृश्य है, उसमें सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी हो, निष्ठावान आदमी हो, लगन के साथ काम करने वाले लोग हो, वो सेना के सिपाही के सिवाय दूसरा और कोई नहीं हो सकता जितना सेना का सिपाही हो सकता है। इसलिए हमारी पार्टी ने एक निर्णय किया और उस निर्णय के अनुसार हमने ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को उस चुनाव में उतारा है। ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर के बारे में मुझसे पहले विस्तार से कह दिया कि जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उस कारगिल के युद्ध में टाइगर हिल को जीतने का जिम्मा उनके पास था। 16,000 की हाइट पर चढ़े, जहां पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा करके रखा था, और मुड़ करके नहीं देखा, अपनी ब्रिगेड को कमांड किया और टाइगर हिल पर जीत हासिल की। तिरंगा झंडा लेकर के अपने हाथ में वहां पर जो है जीत का परचम लहराया। इस बात के लिए मैं ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने एक सेना के नाते, एक सैनिक के नाते जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मैं समझता हूं ये कहना ठीक नहीं, पर ये सोचना भी ठीक नहीं, कहने की तो बात थोड़ी है। ये कारगिल की लड़ाई लड़ाई नहीं थी। कुछ लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो तो एक मामूली सी घुसपैठ थी। अरे उस कारगिल की लड़ाई में 527 सैनिक शहीद हुए, 52 सैनिक हमारे देश के शहीद हुए, परमवीर चक्र हमारे हिमाचल प्रदेश के 2 नौजवानों को मिले, एक को मरणोपरांत है और एक संजय जो हमारे अभी तक भी जीवित हैं बिहार बिलासपुर से। 4 परमवीर चक्र पूरे देश भर को मिलते हैं और उसमें से 2 हमारे हिमाचल के सिपाहियों के लिए मिलते हैं, हिमाचल के सैनिकों के लिए। हिमाचल छोटा प्रदेश है लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूं, जहां देश की कुर्बानी की बात आती है, जहां देश की रक्षा की बात आती है, हिमाचल चट्टान की तरह सबसे आगे खड़े होने वाले में से है और ये हमारे सैनिकों ने साबित करके दिखाया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ लोगों ने ऐसा कहा कांग्रेस के कि ये अकेले ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने थोड़ी जीता, लड़ाई कोई अकेला नहीं लड़ता है। ब्रिगेडियर जो होता है वो ब्रिगेड को कमांड करते हैं और जनरल जो है वो सेना को कमांड करते हैं। लड़ने वाला सैनिक होता है और उनको इस बात को समझना चाहिए कि ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर के नेतृत्व में देश के अंदर और देश के बाहर भी जाकर के
सेना ने जो भी ऑपरेशन के लिए जिम्मेदारी दी उनको सफलता पूर्वक उनने जो है अंजाम दिया है, उसमें सफलता हासिल की है। इसलिए मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा। आज कांग्रेस के नेता यहां आकर के प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम हमारी देन है, ये प्रदेश हमारी देन है, ये सारा हिमाचल प्रदेश का विकास हमारी देन है। अगर सब उनकी देन है तो ये महंगाई किसकी देन है, इसको क्यों नहीं स्वीकार करते? अगर सब उनकी देन है तो ये बेरोजगारी आज पूरे देश और दुनिया में जिस 38 पार्टी ने 50 साल तक शासन किया, ये किसकी देन है? 72 वर्ष की आजादी के बाद 50 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने देश में शासन किया और आज हमें सुनाया जा रहा है कि बेरोजगारी इनकी वजह से बढ़ी। हमारे 3 साल के शासन में बढ़ी क्या? और जहां तक महंगाई की बात करते हैं, महंगाई के दौर आज के वर्ष